हेलो, हेलो, मेरी जान पहचाना कि नहीं पहचाना? हु आर यू स्टूपिड? हेलो, मेरी जाने तमन्ना, कौन हो तुम? हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने पहचाना। तुम लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? आखिर तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? हम लोग सिर्फ फाइल नंबर 10 चाहते हैं, वो फाइल हमारे हवाले कर दो। तुम्हें शायद ये नहीं मालूम कि मेरे डैडी सीबीआई ऑफिसर हैं। बहुत खतरनाक है वो कभी भी आ सकते हैं यहाँ पर, समझे तुम? तेरा बाप कैलाश मल्होत्रा नहीं आने वाला, वो इस वक्त हमारे कब्जे में, समझी? यकीन नहीं आता है तो सामने दरवाजा खोलकर देख ले। अबे सोच क्या रही है, आगे बढ़, बस इससे आगे नहीं बढ़ना, वरना तेरे बाप का गला काट कर तेरे हाथ में दे दूंगा। क्या चाहते हो तुम लोग? 10 सेकंड के अंदर हमको फाइल नंबर 10 चाहिए, नहीं तो तेरे बाप का गला काट कर तेरे हाथ में दे दूंगा। बंद कर दरवाजा, फाइल ढूंढ। 1, 2, 3, 4, मत कर विचार। 5, 6, 7, 8, दिमाग में मेरी बात गांठ मार। 9, 9:15, 9:30, पौने 10 और ये 10। फाइल नंबर 10 भी ढूंढ ली। बुलबुल बहुत फड़फड़ा रही है, उड़ना चाहती है क्या? हम इस बुलबुल के पर काट देंगे, फिर वो कभी नहीं उड़ेगी। देख क्या रहे, हम तुम्हें प्यार। दरिंदे, मैं तुझे और तेरे साथियों को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं। ये चुड़ैल हमारे लिए खतरा बन सकती है, जाओ जिंदा मत छोड़ना, मार डालो इसको। पकड़ा उसको, पकड़ा, खाओ खाओ उसको।
भगवान कैलाश मल्होत्रा और उसकी बेटी की आत्मा को शांति दे। ओ गॉड ब्लेस देम। जश्न मनाया जा रहा है। मास्टर आप? हाँ मैं। फाइल मिली नहीं और तुम लोग यहाँ बैठ के शराब पी रहे हो? क्यों मारा उसे? जवाब दो। वो कुछ बता ही नहीं रहा था मास्टर। हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो मुंह ही नहीं खोला। मुंह आज नहीं खोलता तो कल खोलता, मगर तुम लोगों ने उसे मारकर सब कुछ खत्म कर दिया। अगर वो फाइल किसी और के हाथ लग गई तो तुम लोगों के साथ साथ मुझे भी फांसी के फंदे पर झूलना होगा। बेवकूफ, क्या चाहते हो तुम लोग, जिंदगी या मौत? जिंदगी सर। तो दोबारा ऐसी गलती मत करना वरना तुम सबको मौत मिलेगी, सिर्फ मौत। अरे यहां मास्टर कभी भी आ जाता है पीने के टाइम पर। हाँ अरे विक्की बेटे तू आ गया। हाँ माँ। नमस्ते माँ जी। अरे पैर छू माँ के। जीती रहो, बैठो। बेटा ये कौन है? माँ ये माँ। अरे माँ मैं बताती हूँ, ये तुम्हारी होने वाली बहू है। क्यों भैया, ठीक पहचाना ना मैंने? हाँ हाँ ठीक पहचाना। बेटी तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम मीना है। बड़ा प्यारा नाम है। मैं कब से इससे कह रही थी कि तुझसे मिला दे, पर ये तो मेरी सुनता ही नहीं है। क्यों झूठ बोलती हो माँ, मिलवा तो दिया ना, अब ये बताओ कि तुम्हें बहू पसंद है या नहीं? बहुत पसंद है, बहुत। बेटी तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? अरे तुम रो क्यों नहीं हो? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है माँ, मैं अनाथ हूँ। तुम मुझे माँ कह रही हो और खुद को अनाथ भी कह रही हो? आज से तुम मेरी बेटी हुई और मैं तुम्हारी माँ। मा। अरे वाह माँ, बहू को बेटी बना दिया और अब मैं कहाँ जाऊंगी? हाँ पगली, तू तो मुझे छोड़कर एक दिन अपने ससुराल चली जाएगी, मेरे पास तो यही रह जाएगी ना। क्यों बेटी रहोगी ना मेरे पास? चलो भाभी तुम्हें तो आशीर्वाद मिल गया, अब ये बताओ इस घर में रहने कब आ रही हो? मैं क्या बताऊँ, अपने भैया से ही पूछ लो। बोलो भैया। मैं क्या बोलूँ, माँ से पूछ। पूछने पूछने में तो गाड़ी छूट जाएगी, मैं तो कहती हूँ चट मंगनी और पटशाली कर ही डालो। चमत्कार हो गया, चमत्कार। जानती हो भैया का ट्रांसफर हो गया, वो भी तरक्की के साथ। अच्छा? हाँ भैया की वर्दी पर एक स्टार और चमकेगा। क्यों भैया ये लो। ट्रांसफर कहाँ हुआ है जी? मुंबई में। हाँ। अरे क्या हुआ बेटी? अरे क्या हुआ मीना? बैठो बेटी, बैठ जाओ। अरे भाभी ये मुंबई शहर ही ऐसा है, अच्छे अच्छों को चक्कर आ जाते हैं। जाना कब है? दो दिन के अंदर। ओ, मगर मेरे एग्जाम्स तो एक महीने बाद है, हम कैसे जा सकते हैं? कोई बात नहीं, बहू और बिक्की पहले चले जाएंगे, हम लोग एक महीने बाद जाएंगे, क्यों बेटे? हाँ माँ ठीक है। झटके खाती है, पुरानी हो गई है ना सर। ये रहा आपका नया घर। अरे वाह काफी बढ़िया है, कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल है। आप लोगों की जोड़ी इतनी ब्यूटीफुल है तो घर तो ब्यूटीफुल होगा ही। एक बात बोलूं, मैं आपको कैसा लगा? तुम भी बहुत अच्छे हो, लेकिन बकबक कुछ ज्यादा ही करते हो।
वो क्या है ना कि बकबक नहीं करूंगा तो मैं सो जाता हूँ ना, इसलिए बकबक करता रहता हूँ। सर मैं जा रहा हूँ थाने, आप आ रहे हैं थाने? आता हूँ। नहीं पहले तुम जाओ, ये फिर आएंगे। कोई बात नहीं, बनने चला थाने, आप लोग देखिए सपने सुहाने। ए, थाने जाओ चलो। हाँ, जाता हूँ, मेरे नसीब में खटारा ही है, चल भाई। ये देखो हमारा नया घर, कैसा लगा? ओ विक्की, बहुत अच्छा है। लाइट को क्या हो गया? घबराओ मत, अभी आ जाएगी। कितना अंधेरा है बापरे। ये आवाज कैसी? तुम यहाँ रुको, मैं देखता हूँ। नहीं मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। कौन आ रहा है? हर तरफ ही घना अंधेरा है, आंख खुल जाए तो सवेरा है। आ गए आप लोग, मैं आप ही लोगों का इंतजार कर रहा था। कौन हो तुम? देवा, देवा कहते हैं मुझे। मैं इस बंगले की रखवाली करता हूं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूं, तो मैं हाजिर हूं। हर तरफ ही घना। मीना तुम डरो मत, ये तो आदमी है, भूत थोड़ी है। मुझे बहुत डर लग रहा है विक्की। ये क्या कर रहे हो यार, बंद करो ना, मेरे साथ बैठो गपशप करो, मैं बोर हो रहा हूँ ना। तो तुम भी खेलो। अरे मेरे को ताश खेलने नहीं आता है। मैडम ये ताश बंद करवाइए ना, एक घंटे से खेल रहे हैं ये लोग। खेलने दो ना बन्ने खां, आज बड़े साहब नहीं है और दीपक साहब भी नहीं आ रहे। अरे ये लोग तो ताश खेल के अपना दिल बहला लेंगे, मैं क्या करूंगा, मेरे को तो नींद आती है ना। तो तुम सो जाओ ना। अच्छा मैं सो जाता हूँ, बाद में मेरे को कोई जगाना नहीं है। सो 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 सो। ए, बैठे रहो, कोई हरकत नहीं, कोई हरकत नहीं। ए, बैठ बैठ, चल बैठ, ज्यादा होशियारी नहीं करने का क्या? ए, हरकत नहीं। क्या चाहते हो तुम लोग? हमारे आदमी को छोड़ दो इंस्पेक्टर। और अगर नहीं छोड़ा तो? ठंडा कर इसको, अपन लफड़ा करने को नहीं आया इधर। हमारा घूम गया ना तो पूरा पुलिस स्टेशन भंगार हो जाएगा। अब भी शराफत से बोलता हूँ, हमारे आदमी को छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी। बाहर कुछ सवा है, चालाकी मत करो। चल निकल। हाँ, चल चलो नीचे बैठो, होशियारी नहीं। इंस्पेक्टर साहिबा मेरा केस सॉल्व हो जाएगा ना? का नया इंचार्ज इंस्पेक्टर विक्की हूं। तुम यहां क्या कर रहे हो? ये रिपोर्ट लिखवाने आए हैं, आप बैठिए ना। नहीं मैं मंदिर होकर आता हूं। सुनो मैडम, अभी शराफत से चाबी दे दो वरना गोली चल जाएगी। Yeah.
अच्छा किया तुम लोग अपने आप अंदर बंद हो गए क्या? नहीं तो ऐसी पिटाई करता ऐसे मारता कि बन्ने खा को खाब में देखते ना तो भी डरते हैं। हाँ सर आप कब आए? तुम्हारी आँख खुली तब। हाँ क्या बात है भाई, तुम अब तक तैयार नहीं? तुम्हारे मालिक किसी भी टाइम आ सकते हैं। तुम तो ऐसे ऑर्डर कर रहे हो जैसे कि ये सारा क्लब तुम्हारा है और तुम मेरे बॉस हो। अरे इस क्लब का मालिक और तुम्हारा बॉस बनने में कितना टाइम लगता है, एक दिन देखना इस क्लब का मैं मालिक होऊंगा। मुझे लगता है तुम जरूर मरोगे। अरे मरेंगे वो कुत्ते जो ये क्लब चलाते, मैं तो तुम पे मरता हूँ। तुम बैठ के यहाँ सपने देखो, मैं चली तैयार होने, शो का टाइम हो गया। नादान पंछी को इस बात का अंदाजा नहीं है कि अब्दुल सिर्फ वही सपने देखता है जिन्हें हकीकत में बदल सके। साहब तो बहुत गर्म हो गए, मेरे को इतना डाटा, मेरी तो नौकरी जाते जाते रह गई। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। गुड मॉर्निंग। आपको एसीपी साहब ने याद किया है, जरा संभाल के जाइएगा, उनका मूड बहुत ऑफ है। ठीक है ठीक है। वेलकम इंस्पेक्टर विकी, वेलकम। आ जाओ बैठ जाओ। कल जिस तरह तुमने अपनी जान पर खेलकर उन गुंडों को गिरफ्तार किया है, उससे इस डिपार्टमेंट का सर फक्र से ऊंचा हो गया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर, ये तो मेरा फर्ज था। विकी मुझे खुशी है कि हमारे डिपार्टमेंट में अपने फर्ज को निभाने वाले तुम जैसे नौजवान मौजूद हैं। इनसे मिलो, ये है इंस्पेक्टर दीपक। ये वो ऑफिसर है जो हमारे डिपार्टमेंट के मुंह पर कालिक पोतना चाहता है। अब मैंने क्या किया सर? Why the hell did you not come to the station? कल तुम ड्यूटी पर क्यों नहीं आए? सर वो मेरे कुछ दोस्त आ गए थे। तुम्हें दोस्ती प्यारी या पुलिस की नौकरी? I'm sorry sir। अगर आइंदा ऐसे मौकों पर तुमने छुट्टी ली तो याद रखना, इस डिपार्टमेंट से हमेशा के लिए तुम्हारी छुट्टी करवा दूंगा। You may go now। सर आप तो यहाँ अड्डा सेफ है ना? अरे एकदम सेफ है, इस अड्डे के बारे में किसी को भी नहीं मालूम। पिछली बार भी तुमने यही कहा था, अब पुलिस ने रेड करके हमारा 20 करोड़ का सामान पकड़ लिया और साथ में 4 आदमी भी। अरे वो चिट्टे का काम है, उसको माल देने से इनकार किया ना, इसलिए मुखबरी करके पुलिस को माल पकड़वा दिया। तुम दोनों इधर ही अटके हुए हो। लेकिन एक बात याद रखना, माल से कहीं ज्यादा अजीज हमें वो 4 आदमी है। अगर उन्होंने जबान खोल दी हमारे तो आंधे हो जाएंगे। अरे कुछ नहीं होएगा, जरा गले का रुमाल टाइट कर, तेरा गले का रुमाल ढीला रहता है हमेशा। अभी तक तो वो हमारे आदमी छूट भी गए होंगे। सलाम सेठ। लो पैक पियो। लो आ गया मंगू। रोता हुआ गया था, मरे की खबर लाया होगा। बोल क्या खबर है सेठ? हमारे आदमी नहीं छूटे, पुराने गए थे वो भी बंद हो गए। अबे उस्ताद उस वक्त नया इंस्पेक्टर आ गया था। अबे और नंगू टोपी, कौन है वो इंस्पेक्टर? मालूम नहीं, मगर वो शेर है शेर, अपने चारों आदमी उसके सामने बकरे बन गए। बकरा किस्तों में? अबे वो शेर है तो हम लोग शिकारी है, ऐसा रो रहा है जैसे ये भिखारी है। अब मजा आएगा शिकार करने का। अगर मैं उस शेर को बकरी का बच्चा ना बनाया तो मेरा नाम भी बावले कुत्ता नहीं। अब तेरी बारी है।
विकी, मैंने मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा विकी। शर्मानी चाहिए तुम लोगों को। हमारे आदमियों को उस इंस्पेक्टर ने लॉकअप में बंद कर दिया है और तुम लोग उस क्लब में भांडों की तरह नाच गा रहे हो। मास्टर, हमारे आदमी छूट जाएंगे, आप फिक्र मत करो। तो जल्दी करो। हाँ हाँ। सलाम सेठ। ये टोपी इधर। थाने में जा, इंस्पेक्टर विकी को बोल मैं उससे मिलना चाहता हूँ, और वो थाने में नहीं हुआ तो उसके घर पर जा। अभी जाता हूँ। चल जा। ये क्या, अब तक तैयार नहीं हुई? विकी, मैं पिछले दो घंटे से तुम्हें कह रही हूँ कि सिर्फ 5 मिनट रुको, लेकिन तुम हो कि तुम्हारा हर काम फास्ट ही रहता है। किसी ने सच कहा है, औरतों को घर से निकालना और भैंस को पानी से निकालना दोनों मुश्किल काम है। क्या कहा? अभी बताती हूँ। अब आपसे कोई मिलने आया है। जाइए जाइए। सलाम साहब। कौन हो तुम? मंगू टोपी नाम है उनका। साहब अपना काम टोपी फिराने का है, उनके साहब ने बुलाया, चलो। व्हाट? अपुन को अंग्रेजी नहीं आती साहब, हिंदी बोलने का। अपुन के पास टाइम नहीं है क्या? मेरे पास भी टाइम नहीं है। गेट आउट फ्रॉम हियर। अपुन के सेठ से मिलने में बहुत फायदा है, नहीं मिले तो बहुत नुकसान होगा। फिर मत कहना कि मंगू टोपी ने कहा नहीं। भाग हरामजादे, वरना तेरे हाथ पैर तोड़ डालूंगा।
अपने सेठ से कहना कि दोबारा ऐसे कुत्तों को ना भेजना। ठीक है साथ चलता हूँ। छोड़ो ना, अपना मूड क्यों खराब करते हो। अच्छा बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है। तो फिर चलो शॉपिंग करने। चलो ना। लगता है ये इंस्पेक्टर भी मरेगा। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं देवा बोल रहा हूँ। विक्की भैया घर पर हैं? आप कौन बोल रही हैं देवी? मैं विक्की साहब की बहन बोल रही हूँ। वो घर में नहीं है। कहाँ गए हैं? कुछ कहना हो तो बता दो देवी, मैं कह दूंगा। उनसे कहना हम कल आ रहे हैं। मैं कहूँगा कि विक्की साहब की बहन कल घर पे आ रही है। याद से कहना, भूलना नहीं। हाँ मैं याद से कह दूंगा। बावले सेठ को बोलना पड़ेगा। ओफो, इस देवा को मैंने कहा था कि यहाँ से कपड़े उतार के अंदर रख देना। अरे कपड़े उपड़े छोड़ो, चलो बेडरूम में। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं कपड़े उतार के आती हूँ। अरे यहाँ कपड़े उतारोगी? ओफो, तुम बहुत शरारती हो गए हो। जाओ चलो चलो जल्दी आओ। बदमाश तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? बड़ी देर की मेहरबान आते आते, मैं कब से आपके इंतजार कर रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब। कौन है तुम? सारा जगत जानता है कि जगत नाम है मेरा। हम चार यार हैं, बावले एक, जगत दो, मदन तीन और कुंदन चार। अगर तुम हमारे साथ मिल जाओ तो हम चार से पांच हो जाएंगे, पांच पांडव कहलाएंगे और फिर इस शहर को तांडव का नाच रचाएंगे। आई स्वेयर। क्या मतलब है तेरा? तू क्या कहना चाहता है? मैं ये कहना चाहता हूं इंस्पेक्टर कि हमारे चार आदमी जो तुमने गिरफ्तार करके रखे, उन्हें बाइसत छोड़ और बदले में तुम्हें कितना पैसा चाहिए कहो। तू मुझे रिश्वत देना चाहता है क्या? नहीं 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 इंस्पेक्टर, इसे रिश्वत नहीं कहते। इसे कहते हैं तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा। अगर तू मेरी छत के नीचे नहीं होता तो मैं तुम्हें जान से मार देता। ना गेट आउट फ्रॉम हियर। इंस्पेक्टर, मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन एक बात पर मेरी गौर करना। जो मैंने तुम्हें ऑफर दिया है, थिंक अबाउट इट एंड गेट बैक टू मी। और हाँ इंस्पेक्टर, कितना अच्छा वॉकमैन रखा है तुमने, कम से कम कैसे तो ढंग के रखा करो। गेट आउट। ओके। चाय गरम, चाय नींद उड़ाने वाला चाय। ला मेरे छोटू उस्ताद, जल्दी से चाय ला यार, नींद उड़ानी है, सुस्ती चढ़ रही है। ला। सब पहले पैसे दो। अबे मिल जाएंगे ना, मैं थाना छोड़ के थोड़ी जा रहा हूँ। नहीं पहले पैसे दो, आप सो जाओगे तो पैसे कौन देगा? छोटू ठीक कह रहा है बन्ने खां, तुम इसे पैसे दे ही दो। ये ले तेरा 10 रुपया और चाय ले। आज तो गले में बहुत पैसा है बाप। अरे चल फूट ले बाप, चल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप चाय पियेंगे? नो थैंक्स। क्या उन लोगों ने कुछ बताया? नहीं कुछ नहीं बताया उन्होंने, न जाने किस मिट्टी के बने हैं। मिट्टी के नहीं साहब, फौलाद के बने हुए हैं। दीपक साहब ने उन दोनों को कुत्तों की तरह पीटा है, लेकिन कुछ नहीं उगलवा सके। ये तो अच्छा हुआ कि बड़े साहब ने उन्हें रोक दिया, नहीं तो शायद दीपक साहब तो उन्हें मार ही डालते। दीपक। जब भी आती हो तो जाने के लिए आती हो, अब के जो आना तो जाने के लिए मत आना। फिर शुरू हो गया? अभी कहाँ शुरू हुआ हूँ, तू तो शुरू होने से पहले खत्म कर देती है। अरे पांच पांच यारों से उलझी हुई है, किसी एक का हाथ पकड़ ले, ले थाम ले। अरे जा जा, ये हाथ अपने पास ही रख, कहीं उन पांचों में से किसी ने ये देख लिया ना तो ये हाथ तेरा गायब हो जाएगा। पांच कुत्तों की फिक्र मुझे घासी नहीं डालती है। एक कुत्ता टपके तो मेरा चांस बने। लीना ये तो मर गई थी। बार बार क्यों बजता है? और ये कौन है?
हेलो कुंदन, हाँ मैं बोल रहा हूँ, अभी अभी मैंने उस लीना को देखा है। क्या कहा? अबे तुम्हें वो लड़की जिंदा दिखाई दी? अबे पागल हो गए तुम उल्लू के पट्टे, जिस लड़की को हम मार दिया वो जिंदा कहां से हो सकती है? अबे तूने ज्यादा पी रखी है, घर जाके सो जा, बार बार फोन मत कर, डिस्टर्ब मत कर। हेलो हेलो, अरे यार हेलो हेलो जगत, हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोल मदन। लीना जिंदा है क्या? अबे साला पागल हो गया क्या? नहीं यार मैं सच बोल रहा हूँ। तो पकड़ लेना था ना उसको। हाँ अबे तू मोबाइल का बिल मत बढ़ा, चल फोन रख। हेलो हेलो, काट दिया साले ने। अरे यार ये फोन भी ऐसे टाइम पे हैरान कर रहा है। छोड़ो, रहने दो, बजने भी दो ना। अरे लेकिन डिस्टर्ब कर रहा है ना, ला फोन दे मेरे को, उसको अभी जरा सीधा करता हूँ। हेलो, मैं मदन बोल रहा हूँ। अबे मदन के बच्चे, अबे ये कोई टाइम है फोन तुम्हें? साला मेरी बात का मजाक उड़ाता है, साला कहता है कि मैं नशे में हूँ। अब्दुल तू बता, मैं क्या नशे में हूँ? पहचाना? नहीं पहचाना? कालीकोठी पे एक मर्डर हुआ है। क्या? हाँ सर। ठीक है मैं पहुंचता हूँ। मीना? अरे मीना तुम कहाँ गई थी? वो अरे मैं पूछ रहा हूँ तुम कहाँ गई थी? वो बारिश आ गई थी बिजली। अरे खून कैसा? वो बारिश आ गई थी तो तार लग गई। तुम कहाँ जा रहे हो? कालीकोठी। कालीकोठी क्यों? वहाँ एक मर्डर हुआ है। किसका? मालूम नहीं, तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। मैंने पूरे एरिया की छानबीन कर ली है लेकिन कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे किसी पे भी कातिल होने का शक किया जा सके। और ये बंगला? ये तो गवर्नमेंट कॉटेज है, काफी समय से बंद है, यहाँ तो कोई भी नहीं रहता। ठीक है, तुम इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देना।
मामले बस कर, वरना ये मर जाएगा। जगत, इसको बोल, इसको समझा। एक बार ये बोल दे, भले झूठ बोले कि मदन जिंदा है, ये झूठ बोलता है, ये मजाक करता है, इसको बोल। अबे बावले, मदन मर चुका है, ये सच कह रहा है। जाने दे से, जा तू जा जा, 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 जा। अरे यार, तुम लोग सबको जाने दोगे क्या यार? बैठ जा। लेकिन मेरे को यकीन है कि मदन जिंदा है। अगर वो मर गया है तो उसको जिसने भी मारा है, मैं उसका टेटवा दबा दूंगा साले का। अबे इतना मत चला, ब्लड प्रेशर हो जाएगा। अरे मदन जाड़िया मेरा दोस्त था, मेरा जाने जिगर था। साला इतना इतना खाना खाता था, छे छे बाटल दारू पीता था, लेकिन हिलता नहीं था, समझ गए कि नहीं? बावले, मेरे ख्याल से काम चिड्डे का होगा, क्योंकि उसी ने मदन को मारने की धमकी दी थी। धमकी देना अलग बात है, लेकिन धमकी पे खरा उतरना दूसरी बात। तू ठीक कह रहा है मेरे दोस्त, तू ठीक कह रहा है। चिट्टे में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक चिट्टी को भी मार सके। वो हमारे चार आदमी पकड़वा कर अपने आप को महारथी समझने लगा है, लेकिन वो जानता नहीं कि हम कौन है। लो आ गया मंगू टोपी। सलाम सेठ। फिर आ गया मंगू टोपी, कोई मनुष खबर लेके आया होगा। ना सेठ, मंगू टोपी आज बहुत बढ़िया खबर लेके आया है। ठीक है, क्या खबर है? अच्छी खबर है तो ठीक है, वरना तेरी इधर कब्र है। प्रॉमिस? अरे अपन कभी मजाक करता ही नहीं यार। इंस्पेक्टर विक्की की माँ और बहन कल मुंबई आ रही है। जिंदगी में पहली बार तू अच्छी खबर लाया। ऐसा कर, कल तू तेरा हिसाब किताब भी छुट्टा कर लेना। बुढ़िया को छोड़ देना, छोकरी को उठा लेना। बोलिए, काम कर लेगा ना? यस बॉस, कर लूंगा। तूने विक्की को फोन किया था ना? किया था माँ, किसी देवा नाम के आदमी ने फोन उठाया था। उसने कहा था कि वो भैया को मैसेज दे देगा। तो फिर विक्की अभी तक आया क्यों नहीं? नमस्ते माँ जी। नमस्ते। विक्की साहब ने आपके लिए गाड़ी भेजी है। पर विक्की कहाँ है जी? वो किसी वो माँ, भैया किसी काम में फंस गए होंगे। हाँ। आओ चले। आइए चलिए। माँ जी आप रुकिए, पहले इनको बैठने दीजिए। क्या हुआ माँ जी, आप परेशान क्यों हैं? बेटा बेटा, मेरी बेटी को कुछ आदमी उठा कर लेंगे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं देखता हूँ। You
डोंट वरी। अगर आज आप वक्त पर नहीं आते ना जाने वो गुंडे। जो हुआ नहीं उसके बारे में सोचकर परेशान मत होइए। अगर मेरे भैया को पता चल गया तो वो उन गुंडों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या नाम है आपके भैया का? विक्रम, विक्रम सक्सेना, पुलिस इंस्पेक्टर है वो। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, हम दोनों एक साथ ही काम करते हैं। मैं भी सब इंस्पेक्टर हूँ, दीपक नाम है मेरा। लेकिन आप घबराइए मत, मैं आपके भैया से कुछ भी नहीं कहूंगा। आइए आइए, मैं आपको घर छोड़ दूं। मेरी बच्ची, मेरी बेटी, तू आ गई मेरी बच्ची, तू आ गई, तू ठीक है ना मेरी बच्ची, तू ठीक है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, इन्होंने मुझे गुंडों से बचाया है। ना रो बेटी। बेटा, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? शुक्रिया काहे का माँ जी, मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। आप लोग इस शहर में नए हैं, चलिए मैं आप लोगों को घर छोड़ देता हूँ। हाँ माँ, भैया को कुछ मत कहना। आइए। ठीक है, कुछ नहीं कहूंगी, चलो। लड़की ने मुझे चुमा दिया बाजार में, एक लड़की ने मुझे चुमा दिया बाजार में, ये खबर पढ़ लेगी दुनिया कल सुबह अखबार में। दिल ले गई, दिल ले गई, दिल ले गई, ओ दिल ले गई। लड़की नहीं वो चलती फिरती नशे की पूरी बोतल है। दिल ले गई, दिल ले गई, दिल ले गई, ओ दिल ले गई। इसका नाम मंगू टोपी नहीं, मंगू जूती रखो, साला जूतियां खाकर आया है। बड़ा 30 mark हां बनता था, अबे साले नपुंसक कहीं के। अपुन को एक मौका दो सेठ, अपुन इंस्पेक्टर की बहन को नहीं छोड़ेगा, मां कसम, एक मौका दो सेठ।
मास्टर आप तूफान की तरह आता है और आंधी की तरह चला जाता है। पता नहीं ये मास्टर क्या चीज है। हेलो, कहाँ है मेरे भाई? मेरे भाई मैं आ रहा हूं। चंदन, 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 जाकर किसे मिल गया? कौन है? हैं? मदन की लाश मिली है वो और ये गहरे दोस्त थे और नाइट क्वीन के पार्टनर भी, और इनके दो और दोस्त हैं जो अभी तक जिंदा हैं। कहीं इन पार्टनरों के बीच में दुश्मनी तो नहीं? हो सकता है, दौलत तो बाप और बेटे के बीच जंग करा देती है, ये तो फिर भी दोस्त हैं। मेरे ख्याल से दोनों ही कत्ल में एक ही हथियार का इस्तेमाल किया गया है और कातिल भी शायद एक ही आदमी या औरत है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार एक ही घातक हथियार का इस्तेमाल किया गया है। आपके हिसाब से कौन सा हथियार इस्तेमाल किया गया? मेरे हिसाब से कुल्हाड़ी। आया मालकिन। लगता है सर को नींद आ रही है इसलिए टहल रहे हैं। क्या सोच रहे हो? ये मर्डर्स क्यों हो रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन दोनों मर्डर्स में एक बात तो कॉमन है। कौन सी? वो ये कि दोनों मर्डर्स तो अलग अलग स्पॉट पर हुए हैं लेकिन लाश एक ही जगह पर पाई गई है।
काली कोठी में। क्या पहले वहाँ कोई मर्डर हुआ था? हाँ, 3 साल पहले एक आदमी और एक लड़की का मर्डर हुआ था। लड़की के साथ वो भी तो हुआ था। हाँ, और कुछ आदमियों ने लड़की का रेप भी किया था। मुझे उस केस की फाइल चाहिए। पर साहब, आप वो फाइल को हाथ मत लगाइए, नहीं तो आप भी मारे जाओगे। What nonsense! हाँ सर, बन्ने खान ठीक कहता है। इससे पहले इंस्पेक्टर गौतम इस केस पर काम कर रहे थे और जिस रात वो फाइल लेकर गए उसी रात रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। सर, आप मारे जाएंगे तो हमारा क्या होगा? आप उस भुतिया फाइल को भूल जाइए। मैं इन सब बातों को नहीं मानता। साहब, आपको बड़े साहब ने बुलाया है। बन्ने खान, तुम वो फाइल निकाल कर रखो। वो फाइल इनके हाथ लग गई तो ये भी मारे जाएंगे। मैं तो सोच रहा हूँ कि फाइल ही गायब कर दूं। कोई फायदा नहीं, विकी एक बार जो ठान लेता है वही करता है। तुम्हें तो ये फाइल निकालनी ही पड़ेगी। मैंने कभी चाहा नहीं, मैंने कभी मांगी नहीं, ऐसी मिली जिंदगी। रुठी रुठी रहती है मुझसे जमाने की, ना जाने क्यों है खुशी। पुलिस अपना काम कर रही है जी। नहीं, आपके बाकी के साथियों को कुछ नहीं होगा, बिलीव मी। यस, बाकी के बाद में करेंगे। बाय। मदन और कुंदन के पार्टनर का फोन था, कह रहा था कि कातिल उसके बाकी साथियों की जान भी ले सकता है। ले सकता नहीं है सर, ले सकती है। व्हाट? तुम्हारा मतलब कातिल कोई औरत है? जी हाँ सर, जरा ऐसे देखिए। कौन है ये? सर, ये सीबीआई ऑफिसर मिस्टर कैलाश मल्होत्रा की बेटी की तस्वीर है, जो अब मिस्टर विकी की वाइफ भी हैं। इंस्पेक्टर दीपक, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग घूम गया है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि सीबीआई ऑफिसर कैलाश मल्होत्रा और उनकी बेटी का खून हो गया है। मर्डर सिर्फ मिस्टर कैलाश मल्होत्रा का हुआ था सर, बेटी बच गई थी और मर्डर वही कर रही है। अब तक पुलिस की निगाहों से इसलिए बची रही क्योंकि वो मिस्टर विकी की वाइफ है। सबूत? सबूत ढूंढना तो मिस्टर विकी का काम है सर, क्योंकि इस केस की तफ्तीश यही कर रहे हैं। मैंने तो सिर्फ अपनी राय जाहिर की है। तुम अपनी राय अपने जेब में रखो, मिस्टर विकी इस केस के इंचार्ज है, उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने दो। अब तुम जा सकते हो। यह आदमी अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है। तुम इसकी बकवास पर ध्यान मत दो, बल्कि इस केस की तह तक पहुंचने की कोशिश करो। हे भगवान, जब से आए हो इस फाइल को ही लेकर बैठे हो। आखिर इस फाइल में है क्या? मेरी जिंदगी। अच्छा, तो जरा हमें भी तो बताओ अपनी जिंदगी। लो देखो। ये तुम्हारी तस्वीर है ना? हाँ, मगर ये इस फाइल में कहाँ से आई? ये फाइल मुझे आज ही मिली। किसकी फाइल है ये और इसमें क्या लिखा है? आज से 3 साल पहले काली कोठी में 2 मर्डर्स हुए थे, उसमें एक लड़की ये भी थी। पुलिस को शक है यही लड़की मर्डर्स कर रही है। कमाल है, जवाब नहीं तुम्हारी पुलिस का। जो लड़की 3 साल पहले मर गई, वो मर्डर कर रही है भूत बनकर, है ना? नहीं, वो लड़की जिंदा है। जिंदा है? तो कहाँ है वो? वो मेरे सामने खड़ी है। यानी मर्डर मैं कर रही हूँ, यही कहना चाहते हो ना तुम? बोलो, जवाब दो, किसका मर्डर किया है मैंने? मदन और कुंदन का। मेरे ख्याल से पुलिस के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, क्या मैं किसी का मर्डर कर सकती हूँ? तुम मुझ पे शक कर रहे हो। शक मैं नहीं, पुलिस कर रही है। तुम्हें पुलिस पे यकीन है? मुझ पे नहीं, अपनी मीना पे नहीं। यकीन ना होता तो तुम इस वक्त जेल में होती। तो कर लो गिरफ्तार मुझे और डाल दो जेल में। विकी साहब, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे फरार हो जाए। मुजरिम कभी बचेगा नहीं, चाहे वो मेरी बीवी ही क्यों ना हो। हेलो, क्या है बे?
मेरी लड़की भाग गई। मुबारक हो भाई मुबारक हो। हम तो समझे थे कि उषा पीटी के बाद हिंदुस्तान में कोई दूसरी लड़की भागने वाली पैदा ही नहीं होगी। अरे तुमने तो लड़की भी पैदा कर ली और भगा भी दी और हमको अभी बता रहे हो। अरे जाओ मियाँ मिठाई लेकर आओ। अबे क्या है सर, वैसे नहीं भागी जैसा आप समझ रहे हैं। तो फिर एक लड़के के साथ भाग गई। लंगड़े के साथ भाग गई। अबे इसको भागना नहीं बोलते, इसको तो फरार बोलते हैं। तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, चल जाए यहां से। अबे क्या है सर, मेरी तो वो मेरी। अबे तेरी तो जाता है कि नहीं, नहीं तो पुलिस को गुमराह करने की जुम्मे तेरे को अंदर कर दूंगा, चल जाए यहां से। ये तो सो रहा है, मुझे ढूंढनी पड़ेगी। हेलो। अरे तुम, अब मेरा मतलब है आप। वैसे आप मुझे तुम कह सकती हैं। घर पे कोई नहीं है क्या? जी अरे बेटा तुम। नमस्ते माँ जी। नमस्ते, तुम कब आए? बस अभी अभी माँ जी। बैठो। पिंकी बेटे। जी माँ। तुम इनके लिए चाय बना कर। अच्छा माँ जी, विकी घर पे नहीं है क्या? नहीं बेटा, आज सुबह वो जल्दी चला गया। अच्छा अच्छा, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं पूजा करके आ जाऊं। जी माँ जी। ऑलराइट। ओहो भाभी, आपने क्यों तकलीफ की? अरे नहीं, इसमें तकलीफ कैसी? ना बेटी। हाँ माँ जी, आई। चाय पीजिए। नहीं यार, मुझे किसी जरूरी काम से जाना है, चाय फिर कभी पी लेंगे। ओके यस सर। बन्ने खा को बुलाओ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। शुक्र है जनाब को, हमसे कुछ पूछने का ख्याल तो आया, पूछिए। इंस्पेक्टर दीपक के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसके बारे में तो मैंने अभी तक सोचा नहीं, फिलहाल तो मैं सिर्फ तुम्हारे ख्यालों में खोई हुई हूँ। सर आपने मुझे बुलाया? आज रात को तुम्हारी ड्यूटी नाइट क्वीन क्लब में होगी, वहाँ तुम सिविल ड्रेस में मौजूद रहना, समझे? सर आप कहे तो मैं बनियान और चड्डी में चला हूँ। सर आजकल का लेडीज क्रेज है, वो ड्रेस में मेरे को लड़की देखेगी तो मेरे को डांस करने को बोलेगी, मैं इसके साथ डांस करूंगा सर। बम 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 बम। सर उसे डांस करके मेरे को नींद भी नहीं आएगी, या तो मेरे साथ कोई बात। बकवास बंद करो और अपनी ड्यूटी करो। हाँ सर। हाय। सॉरी यार जरा लेट हो गया, तुम कब आई? पिछले एक घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम अभी आ रहे हो? अरे यार मैं जरा फंस गया था ना काम में। काम में जाओ, पहले जाकर काम करो फिर मेरे पास आना, समझे? अरे यार तेरा आशिक मर जाएगा यार। मर जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अरे तो फिर कैसे बात करोगी, बताती तो जाओ। तेरा प्यारा साजन दिल का हाल सुना दे, बात नहीं क्यों करती मुझसे इतना मुझे बता दे। मुझे मोबाइल दिलवा दे रसैया, फिर मैं बात करूंगी। मुझे मोबाइल दिलवा दे रसैया, फिर मैं बात करूंगी। प्यार तुझे मैं जाग जाग के सारी रात करूंगी, हाँ सारी रात करूंगी। मुझे मोबाइल दिलवा दे रसैया, फिर मैं बात करूंगी, हाँ फिर मैं बात करूंगी।
तेरे सिवा इस दुनिया में है तेरा दूजा कौन, किसी भी पब्लिक फोन से कर ले मुझको टेलीफोन। पब्लिक फोन से बात करो तो सुन लेती है दुनिया, कदम कदम पर दिल वालों को दुख देती है दुनिया। पब्लिक फोन से बात करो तो सुन लेती है दुनिया, कदम कदम पर दिल वालों को दुख देती है दुनिया। अरे किसे मुझे मोबाइल दिलवा दे रे सैया, फिर मैं बात करूंगी, हाँ फिर मैं बात करूंगी। अरे बहू तू अभी तक तैयार नहीं हुई। बस मैं तैयार हूँ माँ। पता नहीं पिंकी अभी तक क्यों नहीं आई। लो मैं आ गई माँ। कहाँ चली गई थी? पता है आशांता बहन के यहाँ जागरण के लिए जाना है। मालूम है मालूम है, पहले कुछ खा लो फिर जाएंगे प्लीज। क्यों उसने खाना नहीं खिलाया क्या? क्या भाभी तुम भी। अच्छा आप चलो, देरी नहीं करो। हाँ चलो चलो चलो। आइए माँ जी। नाइट क्वीन बार, अब्दुल बारटेंडर स्पीकिंग। ऑर्डर नोट कर, 2 किलो आलू, 2 किलो प्याज, 3 किलो पालक और 5 किलो टमाटर फौरन भिजवा दे। और सुन, टमाटर सड़े नहीं होना चाहिए, तेरे मुंह पे फेंक के मारूंगा। अबे कौन बोल रहा है, कौन सा नंबर चाहिए, किसका टमाटर किसका मुंह, फटे मुंह। हमेशा सही वक्त पे रॉन्ग नंबर आन देने। कितने गई? मैं बन्ने खा बोल रहा हूँ। बन्ने खा? भाभी को क्लब में देखा। क्या? हाँ। मीना को क्लब में देखा? हाँ। अच्छा ठीक है। मेरा छे छे। पांच आया था, पांच आया था, मैंने देखा तो देखा। नहीं छे आया। पांच आया था भाभी। देखो माँ भाभी चीटिंग कर रही है। अच्छा चलो तुम। अरे बेटा विक्की आज तो जल्दी आ गया। तुम रात को कहाँ गई थी? कल रात को हम लोग जागरण में गए थे। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं बेटे बहू झूठ नहीं बोल रही है, हम सभी जागरण में गए थे लेकिन बहू की तबीयत खराब हो गई इसलिए वापस आ गई। ये घर नहीं क्लब गई थी। क्लब गई थी क्यों? खून करने। ये कैसी बातें कर रहा है विक्की तू? मैं ठीक कह रहा हूँ, मदन का खून इसने किया है। मैंने किसी का खून नहीं किया और न ही मैं किसी मदन को जानती हूँ। झूठ मत बोलो, गिरफ्तार कर लूंगा। गिरफ्तार कर लूंगा? तूने इसे खून करते हुए देखा है? नहीं। तो तेरे पास और कोई सबूत है जो इसे कातिल साबित कर सकता हो? नहीं। तो जा इंस्पेक्टर साहब, पहले मेरे बहू के खिलाफ सबूत लेकर आओ, फिर आना इसे गिरफ्तार करने। ठीक है मैं सबूत लेकर आऊंगा। आप बुलाए और हम ना आए। मैं कमिंग सर। हम जरूर आएंगे। यस हाँ, बाकी की बातें सामने बैठ के करेंगे। बाय। क्या रिपोर्ट है, कौन कर रहा है ये सब मर्डर्स? सर अभी तक जांच के दौरान मुझे एक औरत पे शक है। कौन है वो? मेरी बीवी मीना सर। मीना तुम होश में तो हो? मैं पूरे होश में हूँ सर। तुम ये कहना चाहते हो इन सब कत्लों के पीछे तुम्हारी बीवी का हाथ है? इम्पॉसिबल। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सर सबूत है बन्ने खां, जिसने मीना को क्लब में देखा था। उसने जरूर कोई ख्वाब देखा होगा, जब देखो तब सोता रहता है। कहां है बन्ने खां? सर मैं यहां हूं। तुम्हारी ड्यूटी तो क्लब में थी ना? बेखौफ होके कहो, क्या देखा था तुमने क्लब में? क्या साहब, मैंने खूबसूरत औरतें देखी, हसीन हसीन लौंडिया देखी, और क्या लौंडिया नाच रही थी, और एक लौंडिया तो ऐसे कमर हिला रही थी, वो देख के मुझे पसीना आ गया। शट अप। तुमने मिस्टर विक्की की बीवी को वहां देखा था? नहीं साहब मैंने उनकी नहीं देखा, मेरा मतलब है इनकी बीवी को नहीं देखा, वो होती तो मैं जरूर देखता। झूठ मत बोलो बन्ने खां, तुमने मुझे खुद फोन किया था। मैंने फोन किया था? नहीं साहब मैंने आपको फोन नहीं किया था। सर ये झूठ बोल रहा है सर। बन्ने खान तुम जा सकते हो। जी साहब। सर समझ में नहीं आ रहा है बन्ने खान झूठ क्यों बोल रहा है। बन्ने खान झूठ नहीं बोल रहा है, तुम्हें जरूर किसी और ने फोन किया होगा गुमराह करने के लिए। मगर सर बन्ने खान। बन्ने खान की बात छोड़ो और अपनी बात करो। देखो विक्की तुम एक समझदार ऑफिसर हो, मुझे यकीन है कि अगर ठंडे दिमाग से काम करोगे तो इस केस को सॉल्व कर लोगे। अब तुम जाओ, किसी नतीजे पर पहुंचकर इस केस का रिपोर्ट मेरे टेबल पर पेश करो। ओके सर। राइट राइट
झूठ क्यों बोला? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, झूठ तो वो आदमी बोल रहा था, फरार को भागना बोल रहा था। मैं पूछता हूँ बड़े साहब के सामने झूठ क्यों बोला? सर एक झूठ अगर किसी की इज्जत बचा सकता है तो वो झूठ सच से भी ज्यादा चमकदार होता है। बकवास बंद करो। सर ये बकवास नहीं है, मेम साहब आपकी बीवी है और मेरी बहन, वो घर की इज्जत है, घर की इज्जत घर में ही महफूज रहे तो अच्छा है, उसको पुलिस थाने में नहीं लाना चाहिए। सर मैं तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं आया, सच क्यों नहीं बोला? सर तो मैं क्या बोलता कि मैम साहब क्लब में बैठकर शराब पी रही थी। तुमने जो देखा था वही बोला था ना? मैंने जो देखा वो मेरी निगाहों का धोखा था, वो शराब पीने वाली औरत आपकी बीवी नहीं हो सकती, वो तो मेरी बहन है, वो औरत कोई और होगी, कोई और होगी। लीना तो जिंदा है, मदन ने सच कहा था। इसका पीछा करना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ? ये कपड़े अच्छे नहीं है क्या? नहीं नहीं बहुत अच्छे हैं, बहुत कीमती भी है, रास्ते में कोई भी उतार लेगा, फिर ये ना कहियो कि अब्दुल ने उतारे भी, मेरा मतलब मैं मना भी नहीं किया। बोला भाई, बोला भाई। इतना घबराया हुआ क्यों है? कोई भूत वूत देख लिया है क्या? बोला भाई, मैंने उस भूत को देखा जिसे मदन ने देखा था। पहलिया मत बुझा, साफ साफ बात कर। बोला भाई, दरअसल मदन ने लीना को नहीं मीना को देखा था, और उसी ने हमारे दो दोस्तों को मारा है। कौन है वो, कहाँ रहती है? बोला भाई, मैंने उसका पीछा किया, मुझे पता चला कि वो इंस्पेक्टर विकी की बीवी है और कार्टर रोड पे रहती है। अब आएगा मजा। आप बैठिए, शराब पीजिए, मैं जाता हूँ अभी उसको टपका के आता हूँ। जब तक आपका ग्लास खत्म होता है मैं उसकी लाश लेके आता हूँ। संभल के रहना जगत, कहीं ऐसा ना हो कि तू ही टपक जाए। कल आज अपन का कितना बुरा टाइम आया है, आज अपन अकेला बैठ के शराब पी रहा है। अरे वो मदन और कुंदन होते तो कोई तो होता चीयर्स बोलने वाला। मैं तो हूँ तेरे साथ चीयर्स बोलने वाला। अबे तेरे तो सिर्फ मुंडी है तेरी। अबे बैठ बैठ, असली जाम पिए जा। नहीं मेरे बाप, मुझे माफ कर मेरे पाप। भागो। मरेगा साला। भागो भागो जगत, भागो, पता पड़ोगे, भागो। अगले अरे कोई है, कोई है भाई? लाश को पहली बार किसने देखा? सर इन्होंने देखा था और हमें इन्फॉर्म किया, मैंने इनका बयान और एड्रेस ले लिया है। अच्छा आपने देखा था? जी साहब।
ओके नाउ यू कैन गो। अगर आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। जी ठीक है साहब, थैंक यू। एक के बाद एक तीन मर्डर होना और तीनों लाशों का एक ही जगह मिलना, मुझे लगता है इस जगह से कातिल का जरूर कुछ ना कुछ संबंध है। क्या संबंध हो सकता है? हो सकता है कातिल कुछ समय पहले इसी जगह पे रहता हो और लाशों को यहाँ डालकर कुछ रिमाइंडर दे रहा हो मिस्टर विकी, जिसे आप नहीं समझ पा रहे। क्या मतलब है तुम्हारा? आप खुद समझदार हैं सर। देखो, नहीं बेटी, ये साड़ी तेरी भाभी पे ज्यादा अच्छी लगी। मैं तो यही लूंगी। नहीं माजी, इसे रख लेने दो, मैं दूसरी साड़ी खरीद लूंगी। हाय हाउ स्वीट, थैंक यू बॉबी, इट्स ऑल राइट। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी घर पहुंच जाओगी। अच्छा जनाब, तो आप हमारा पीछा कर रहे थे? हाँ, और अब मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। क्या तू बहू को गिरफ्तार करेगा? हाँ माँ, इसी ने खून किया है। क्या खून? भाभी ने खून किया है? क्यों रे विक्की, क्या हो गया है तुझे? तू क्यों इस मासूम के पीछे पड़ा हुआ है? क्योंकि ये मासूम नहीं, एक कातिल है। किसका मर्डर किया है मैंने? जगतपाल का, और मैंने तुम्हें मर्डर स्पॉट में देखा था। देख विक्की, तुझे कोई धोखा हुआ है। ये भला किसी का कत्ल क्यों करेगी? ये तुम्हारी बीबी है और हमारे खानदान की इज्जत। हाँ भैया, भाभी बेगुनाह है। इसका फैसला अदालत करेगी। यू आर अंडर अरेस्ट। ये क्या कर रहा विक्की तू? मैं देखती हूँ कैसे तू मेरी बहू को गिरफ्तार करके ले जाता है। नहीं माजी, जब मेरा सुहाग ही मेरे साथ नहीं है तो आपको बीच में आने से क्या फायदा? आपको मेरी कसम, आप बीच में मत आइए। लोकल लोग गिरफ्तार मुझे। ये क्या कर रहा तू विक्की? नहीं भैया नहीं, भाभी को मत ले जाओ भैया। ये क्या कर डाला तूने बेटा? अल्लाह बड़ा बादशाह है। हो सकता है निगाहों ने जो कुछ देखा वो सब गलत हो। काश ऐसा ही होता। ऐसा ही होगा। क्या बात है विकी, कुछ परेशान लग रहे हो। किसने कहा तुमसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मेरे साथ चलोगे? कहाँ? जहाँ तुम्हें चार पल का सुकून मिल सके। कहाँ है वो जगह? ये मत पूछो, मुझे अपना दोस्त समझते हो ना, तो चलो। मास्टर, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे तीन साथियों की जान ली है। पावले, तुम्हें मालूम है इस वक्त वो जेल में है। मास्टर, वो इंस्पेक्टर चालाक निकला। उसने अपनी बीवी को लॉकअप में बंद कर दिया। वो समझता है कि लॉकअप में बंद करके वो अपनी बीवी की जान बचा लेगा। लेकिन मास्टर, मैं भी लॉकअप में घुसकर उस चुड़ैल को जान से मार डालूंगा। बेवकूफी करोगे तुम? पुलिस लॉकअप में किसी को मार डालना कोई मजाक नहीं है। पूरी तरह से मारे जाओगे तुम। तो फिर मैं क्या करूं मास्टर, परेशान हो गया हूं मैं। तलाश करो किसी ऐसी औरत की जो उसे लॉकअप में मार सके। मुझे उस नागिन की लाश चाहिए। बादशाह, जा। ये रहा आपका माल। कितना है? 50,000। मुन्नी बिल्ली, आजकल धंधा बहुत मंदा चल रहा है। तुझे मालूम है मुन्नी बिल्ली कितना लेती है? 1,00,000। तुझे पुलिस के कुत्तों से कौन बचाता है? मुन्नी बिल्ली ने। मुन्नी बिल्ली, अगर कल शाम तक पूरा रुपया नहीं लाया
तो मुन्नी बिल्ली तेरे पेट के कुत्तों को खिला देगी। के माफिक तालियां बजाना बंद कर। कौन है तू? बावले कुत्ता नाम है मेरा, भूखना पहला काम है मेरा। मैं काटता नहीं हूं, भोगता हूं, और भोग भोग कर सामने वाले को ऐसा डरा देता हूं कि सामने वाले की पटलून गीली हो जाती। मतलब समझी के नहीं? ओ फिर तो तेरी मेरी खूब जमेगी। तू कुत्ता, मैं बिल्ली, काम बोल। तेरे लिए मामूली काम है, एक 3.5 फुट की लड़की को लुढ़काना है। लुढ़क जाएगी, 5 लाख लूंगी। दाम कुछ ज्यादा है, लेकिन फिर भी मेरे को मंजूर है। लौंडिया कहाँ है? मेरी जेब में। अरे जेल में है वो। 10 लाख। 5 से सीधा 10 पर आ गई। जेल कोई मेरे बाप का घर नहीं है, जहाँ जाकर मैं आराम से किसी का गला दबा दूंगी। काम रिस्की है। ठीक है, कल 10 लाख तेरे पास पहुँच जाएंगे, लेकिन याद रखना वो लड़की जिंदा बचना नहीं चाहिए। अरे छोड़ो मुझे, अरे हराम के पिल्लो, मेरा दिया खाते हो और मुझे ही आँख दिखाते हो। कौन है ये? अपन को पूछ। मुन्नी बिल्ली नाम है अपन का, अखा मुंबई अपन को जानता है। तू शायद नहीं आई है। जबान संभाल कर बात कर, अगर ज्यादा जबान चलाई ना तो तेरे हलक में हाथ डालकर जबान खींच लूंगी। ए बंद करो, हाथ नहीं लगाना। क्या आइंदा हाथ नहीं लगाना, नहीं तो हाथ तोड़ डालूंगी। चल उठ वहां से, वो मेरी जगह है। चलो, मेरे सामने बैठी हुई है, खड़ी हो जा नहीं तो लिटा के कुत्तों से कटवा दूंगी। 3-3 आदमियों को खा गई, आज मुन्नी बिल्ली तुझे खाएगी। विकी शक तो मुझे भी था भाभी पर, और इसलिए मैंने तुम्हारे घर जाकर उनके फिंगरप्रिंट्स भी लिए थे।
लेकिन कल जो फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट आई है वो भाभी के फिंगरप्रिंट से बिल्कुल अलग है। मुझे खुशी है कि मेरी बीवी निर्दोष है, लेकिन वो कौन थी? शायद उसकी कोई हमशक्ल हो। तुम ठीक कह रही हो। भाभी, माँ देखो भाभी आ गई। माँ, बेटी बेटी, भाभी मेरी बच्ची, तू आ गई मेरी बच्ची। माजी, तू आ गई। लो माजी, मैं आ गई। भाभी, जब से तुम गई हो माँ ने खाना पीना छोड़ दिया। अब मैं आ गई हूँ ना पिंकी, सब ठीक हो जाएगा। माँ, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है माजी? आखिर क्यों क्यों रे बिक्की, कर ली ना अपने मन की मुराद पूरी? हो गया ना तेरा कलेजा ठंडा? इन्हें कुछ मत कहिए माजी, इन्होंने वही किया जो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को करना चाहिए। मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं माजी। तेरा दिल कितना बड़ा है बहू। पिंकी, चल बेटे खाना लगा, आज मैं अपनी बहू के साथ खाना खाऊंगी। अच्छा माँ। चलो चल बेटे। आज मैं बहुत खुश हूं, मैं चार दुश्मन ईश्वर को प्यारे हो गए। अरे मदन ऊपर गया, फिर कुंदन ऊपर गया, फिर जगत भी ईश्वर को प्यारा हो गया, और उसके बाद मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बावले कुत्ता कुत्ते की मौत मारा गया। अरे चड्डा, अब तू शहर का बेटा बस है। तो तू है वो आस्तीन का सांप जिसने मेरे आदमियों को डसा है। मैं हूँ वो सांप, मैंने डसा है, मैं उड़ने वाला सांप हूँ। चड्डा नाम है मेरा। अब तू बता, तू बता मैं तू कौन है? बाथरूम होना हो तो वहा, वरना तेरी पैंट गीली हो जाएगी। अबे बात तो तू ऐसे कर रहा जैसे तू मास्टर है। ठीक पहचाना तूने, मैं ही मास्टर हूँ, अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह। मास्टर तुम? चिड्डा, ऊपर वाले को याद कर ले, मैं तुझे वहीं पहुंचा रहा हूँ जहाँ तूने मेरे चार साथियों को पहुंचाया। नहीं नहीं मास्टर, मैं कसम से कहता हूँ मैंने उन चारों को नहीं मारा, मुझे बख्श दो, मैं मरना नहीं चाहता मास्टर। तो तूने मेरे आदमियों को नहीं मारा? नहीं मारा, मुझे माफ कर दो, मुझे जो तुम कहोगे मैं करने को तैयार हूँ, मैं तुम्हारा बहुत काम आऊंगा मास्टर। ठीक है, मैं तुझे एक मौका और देता हूँ, अगर तूने मेरा काम कर दिया तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा। मैं करूंगा, जरूर करूंगा, सिर्फ आप काम बताइए। तू सीबीआई ऑफिसर कैलाश मल्होत्रा को जानता है? जानता था, 3 साल पहले किसी ने उसका मर्डर कर दिया। किसी ने नहीं, वो मर्डर मैंने करवाया था, मेरे खिलाफ वो जांच कर रहा था, फाइल थी उसके पास, फाइल नंबर 10, वो फाइल मुझे चाहिए। मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी, मैं आज रात को ही कैलाश मल्होत्रा के घर पे जाकर उसके घर की तलाशी लूंगा, वो फाइल आपके सामने पेश कर दूंगा। वेरी गुड।
फाइल ढूंढ रहे थे ना तुम? हाँ, ये फाइल मुझे दे दो वरना मास्टर मुझे मार डालेगा। मास्टर को तो मैं भी ढूंढ रही हूँ, कहाँ है वो? मुझे नहीं मालूम, ये फाइल मुझे दे दो, ये फाइल लेने वो जरूर आएगा मेरे पास। ठीक है, ये लो फाइल। मास्टर, मास्टर मुझे फाइल मिल गई। ला वो फाइल मुझे दे चिड्डा। मास्टर एक बात बताओ, इस फाइल में आखिर है क्या? इस फाइल में मेरे काले कारनामे हैं, जिसे सीबीआई ऑफिसर कैलाश मल्होत्रा जानता था, इसीलिए मैंने उसे मरवा दिया और उसकी बेटी को भी मरवा दिया। ठीक है मास्टर, ये रखो अपनी फाइल, मैं चलता हूँ। गुड बाय मास्टर। लाइक एन ओबीडिएंट मैन। मीना, ये तुमने क्या किया? मैं मीना नहीं, लीना हूँ। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये सब कुछ मैंने किया। मीना मेरी बहन है, जो कुछ मेरे साथ हुआ था उसका बदला मैंने आज ले लिया। तुम्हारी बीवी मीना निर्दोष है, उसका ख्याल रखना। मैं और डैडी इस बेरहम दुनिया से बहुत दूर जा रहे हैं, इतनी दूर जहां किसी इंसान का साया भी ना पड़े। मेरी वजह से जो तुमको तकलीफ हुई इंस्पेक्टर साहब, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। भगवान तुम्हें और मीना को सदा सुखी रखें।